हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एग्जाम पॉइंट जॉब्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो एसएससी द्वारा वेरियस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट जारी हैं, उसी में से एक पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है लोअर डिवीजनल क्लर्क। जी हाँ दोस्तों, उसके बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में जानेंगे, चाहे उसकी फ़ी डिटेल की बात हो, चाहे उसमें नंबर ऑफ पोस्ट्स की बात हो, या दोस्तों उसके सिलेबस क्या क्या है, एग्जामिनेशन का जो क्राइटेरिया है वो क्या क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों चलते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ। यहाँ पर आप दोस्तों ए टू जेड इन्फॉर्मेशन जो HSSC ने 27 डिफरेंट पोस्ट के लिए आवेदन मांगे हैं, उन सब की यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं। तो नीचे मैं इसका लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, आप वहाँ पर क्लिक करके सारी जानकारी को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर हम इसकी एप्लीकेशन फ़ी की बात करें लोअर डिवीजनल क्लर्क के लिए, तो अगर आप मेल हैं और हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ पे करने होंगे। अगर आप फीमेल हैं तो भी आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। और अगर आप हरियाणा से हैं और आप किसी शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं और मेल हैं आप, तो आपको 25 से 35 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। वहीं दोस्तों अगर आप फीमेल हैं, फीमेल कैंडिडेट है, तो उनको 13 रुपये से 18 रुपये पे करना पड़ेगा। सही है, तो ये इसकी फ़ी डिटेल है। पहले दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट थी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की, वो थी 25 जुलाई, लेकिन बाद में नोटिस जारी हुआ था दोस्तों HSSC द्वारा और उसमें डेट को एक्सटेंड कर दिया गया, और अब जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है 16th of August। सही है, जैसे आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 31 तारीख को, तो अभी भी इसमें 15-16 दिन बचे हुए हैं। अब आगे देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बातें जो इसके बारे में हमें जाननी है। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले जो इसका सिलेक्शन का प्रोसेस है, उसके बाद में जो इसका सिलेबस है, ये जैसे आप ए टू जेड यहाँ पर सारा सिलेबस ये सारा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और इसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी जान लेते हैं दोस्तों, जो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है, ये सिलेक्शन का प्रोसेस है वो क्या है। इसमें दोस्तों दो तरीके से सिलेक्शन होगा, पहला होगा रिटर्न एग्ज़ाम और दूसरा इसमें जो होगा दोस्तों वो होगा सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, किन लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है, उन लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा जैसे अगर कोई विडो है तो उनके लिए 5 नंबर अलग से दिए जाएंगे, या अगर किसी को इसी फील्ड में, क्लरिकल फील्ड में और हरियाणा के ही किसी भी डिपार्टमेंट में मान लीजिए एक्सपीरियंस है 4 साल का 6 साल का 10 साल का, तो 1 साल के लिए आधा मार्क्स का उनको एडवांटेज मिलता है। तीसरे नंबर पर अगर आपके घर में कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, जो ये एक्स्ट्रा 10 मार्क्स हैं। सही है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर किसी के फादर की डेथ 42 ईयर्स से कम एज में हो गई है तो उनको भी इसमें 5 मार्क्स का फ़ायदा मिलेगा। और अगर उस एप्लीकेंट की उस टाइम पर एज 15 साल से कम थी जब उसके फादर की डेथ 42 ईयर्स से पहले हो गई थी, तो उसको 10 नंबर का फ़ायदा मिलेगा। टोटल जो मार्क्स होते हैं दोस्तों ये 15 मार्क्स होते हैं, लेकिन एक पर्सन को सिर्फ मैक्सिमम 10 मार्क्स का ही एडवांटेज मिल सकता है। सही है, तो इस तरीके से दोस्तों जो 90 मार्क्स का हमारा पेपर है, 90 मार्क्स में जो 75% और 25% के हिसाब से फिर डिवाइड किया गया है, और वो जो दोस्तों टोटल सिलेबस है वो इस तरीके से है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल सिलेबस को 6 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है वो है जनरल अवेयरनेस, दूसरा है जनरल नॉलेज, तीसरा है मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस। अब इसकी इनको भी सबको अगर हम डिवाइड करें, इसका दोस्तों मैंने यहाँ पे हिंदी में भी इनको बताया है, जैसे जनरल अवेयरनेस मतलब सामान्य जागरूकता, सामान्य ज्ञान, अंकशास्त्र, विज्ञान, अंग्रेजी और सामान्य बुद्धि। अब इसी 6 के 6 पार्ट्स की अगर हम बात करें इनके अलग अलग, तो जैसे यहाँ पर क्लर्क सिलेबस फॉर जनरल नॉलेज, उसमें क्या क्या आने वाला है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका PDF मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा दूँगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करें तो उसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स, और ये दोस्तों जनरल पॉलिटी, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा एंड इंडिया, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें इसमें
विस्तार से पूछी जाती हैं। ये आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या मैं इसका नीचे पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ पर पीडीएफ के थ्रू भी इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा स्लोली इसीलिए कर रहा हूँ फ्रेंड्स नीचे की तरफ, ताकि आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। सही है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये लास्ट में जनरल हिंदी के लिए है, और जनरल हिंदी के लिए क्या क्या है ये सारी डिटेल है। अब फ्रेंड्स अगर हम इसकी बात करें सैलरी स्ट्रक्चर की, तो इसमें जो ग्रेड पे है वो 1900 ग्रेड पे के अंदर ये पोस्ट आती है जैसा आप जानते हैं, और पे स्केल जो है इसका वो 5200 से वो 20200 के बीच में वेरी करता है। और इसमें जो एसएससी क्लर्क में मिलने वाले अलाउंसेस हैं उनकी डिटेल कुछ इस तरीके से है। इसमें कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है, कन्वेंस अलाउंस मिलता है, डियरेंस अलाउंस होता ही है, हाउस रेंट अलाउंस और लाइसेंस फ़ी, ये सारी चीज़ें इसमें दी जाती हैं। और ये सारी चीज़ें मिलाकर स्टार्टिंग में जब आपकी न्यू एंट्री होगी तो आपकी सैलरी लगभग 19,500 से 20,000 के आसपास बैठेगी। सही है, तो ये इसका सैलरी स्ट्रक्चर है, और सिलेबस इस तरीके से है ये सारा जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा ये सारी चीज़ें होंगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फाइनली अगर आपको और भी इसके बारे में जानना है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप यहाँ पर ए टू जेड इन्फॉर्मेशन जो वेरियस पोस्ट हैं SSSC द्वारा उनके बारे में यहाँ से जानकारी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।